गाइस तो वेलकम। अभी एक सिसवा में काफ़ी फेमस मंदिर है जो आपको फोटोज में दिखाएं, अभी देख सकते हैं। तो चलिए अभी यहाँ का व्यूस आपको दिखाते हैं। तो अभी हम लोग इंटर कर चुके हैं यहाँ पर, और पीछे देख सकते हैं एक मंदिर है। जय भगवान जी, जय कृष्णा भगवान, सब प्रणाम करते हैं। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर भी कृष्णा भगवान जी की मूर्ति है। थोड़ा बेल वगैरह बजा लेते हैं। जय कृष्णा भगवान जी। और काफ़ी औसम मंदिर है ये टेम्पल जो कहा जाए। और इसका मेन रास्ता जो है ना, वहाँ से आई थिंक हम लोग पहले भी आ चुके हैं लगभग, हाँ 1 ईयर से एगो पहले आए थे हम यहाँ पर, तो इसको तुम देखे थे। लेकिन इस बार पेंट जो है इसका काफ़ी डिफरेंट, यानी रेड कलर कर दिया है, तो काफ़ी औसम दिख रहा है। अभी दिखा रहे हैं आपको, देख सकते हैं। और यहाँ का व्यूज़ कुछ ऐसा है, तो ये ऐसा है रात को सीजन, रात को टाइम में यहाँ तो काफ़ी अच्छा ये डेकोरेशन किया गया होगा। तो ये है मेन डोर इसका। तो कभी आएगा तो आप लोग भी इस मंदिर को ज़रूर विजिट करिएगा। और देख सकते हैं काफ़ी औसम टेम्पल है। और यहाँ पर काफ़ी सारे इमेजेस बनाए गए हैं, और यहाँ पर राम जी का मूर्ति है, देख सकते हैं यहाँ पर। आई थिंक वो इनका तो नाम ही नहीं पता कि कौन है, तो जामुन वगैरह खिलाती हैं, तो वो हम लोग देखे हैं रामायण में, तो अभी तो भूल गया है। और थोड़ा सा इधर थोड़ा चलते हैं और आगे दिखाते हैं आपको। क्यों, कैसा लग रहा है मंदिर में? थोड़ा इधर आते हैं। जय भगवान जी। यहाँ पर देख सकते हैं है, यहाँ पर बजरंग बली जी का मूर्ति वगैरह है, स्थापना किया गया है। तो अभी इधर लोग हैं और आगे इधर लास्ट। और यहाँ पर एंडिंग पॉइंट है। और यहाँ से जब छठ का त्यौहार आता है, फेस्टिवल आता है, तो यहाँ से लोग इंटर करते हैं बाहर। ये दो ब्लॉक है और आगे काफ़ी सुंदर एक पोखरा भी है, तालाब। तो यहाँ पर भी एक देवी माता है, इनको भी सैल्यूट करते हैं, जय देवी माँ। और एक थोड़ा घंटी है, इसको बजा लेते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे का क्या व्यूज़ है वो सारी चीज़ आपको दिखाते हैं। तो मिलते हैं फिर।